नमस्कार दोस्तों, हमारे सम्मानीय साथियों और हमारे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले राकेश मिश्रा केमिस्ट्री क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग जैसे 12th क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 12वीं क्लास का हमारा चैप्टर नंबर 10 क्लोरोफॉर्म की प्रयोगशाला विधि के बाद उसके रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं। हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन, आपको बहुत सारे नॉलेज के क्वेश्चन हम लगातार देते रहते हैं। तो क्लोरोफॉर्म के अंदर बच्चों हम क्या बताने वाले हैं, क्लोरोफॉर्म से कैसे क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं, क्या क्लोरोफॉर्म हमें किस प्रकार से रासायनिक क्वेश्चन आएंगे, मतलब क्वेश्चन पैटर्न क्या है, प्रश्न का तरीका। यहां पर एक बड़ा प्रश्न आता है कि प्रश्न कैसा आएगा, तो हम आपको बताते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत सारे बच्चों को बहुत डर लगता है, लेकिन हम आपको सभी डर दूर भगाएंगे, एक ऐसा जादू करके देंगे आपको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर हमेशा वही पड़ोगे आप। यदि इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं आप, तो हम ये गारंटी ले रहे हैं इस बात की कि आप लगातार वीडियो को देखने के बाद यही कहेंगे कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी लगती है, आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। देखिए पहला तरीका क्या है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पैटर्न इस प्रकार से आता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म पर एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं मिथाइल एमीन की क्रिया की जाती है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म पर एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मिथाइल एमीन की क्रिया की जाती है। अब इसका आंसर लिखने के लिए हमारी वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, बहुत इंटरेस्टेड नेम रिएक्शन है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो पहला क्वेश्चन तो यहां से स्टार्ट होता है, व्हाट हैपेंड व्हेन, आखिर किसी पदार्थ में कोई पदार्थ मिला दे तो नया प्रोडक्ट क्या बनेगा। इतनी सारी रिएक्शन है इसकी, लेकिन सभी की अपनी अपनी ट्रिक्स हैं, सभी की अपनी अपनी टिप्स हैं। नंबर दो पर आते हैं, सेकंड नंबर आएगा दूसरा हमारा जो क्वेश्चन पैटर्न है, निम्न प्राप्त कीजिए, सीधा लिखा रहेगा, मतलब इससे ये बनाओ। देखो कैसे, मैं बताता हूं, सबसे पहले लिखा है फिनोल से बनाना है आपको, फिनोल से बनाना है सैलिसिलिक एल्डिहाइड या आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। फिनोल से क्या बनाना है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनाना है। या एक और क्वेश्चन पैटर्न आता है, उसको देख लीजिए किस प्रकार से, क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रिन कैसे बनाएंगे, क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रिन। तीसरा तरीका, एक इसमें केवल समीकरण देना पड़ते हैं, गिव ओनली इक्वेशन, इसमें भाषा नहीं लिखी जाती बच्चों, इसमें केवल नाम लिख सकते हैं आप क्रिया कारक के उत्पाद के। एक क्या होता है हो गया, निम्न प्राप्त कीजिए, गिव ओनली इक्वेशन। तीसरा तरीका, इसमें एक खाली इक्वेशन दिया रहेगा, देखिए मैं बना के दिखाता हूं, इस प्रकार का इक्वेशन यहां पे बना रहता है ए। अब ए अननोन है, इसके बारे में कोई नहीं जानता, मैं जानता हूं ए अननोन है, और यहां इससे बन रहा है बी प्रोडक्ट, और यहां क्रिया किसकी करा रहे हैं, यहां क्रिया करा रहे हैं नम विरंजक चून COCl2 की, नम माने पानी मिला दिया तो प्रोडक्ट बी बन गया। देखेगा ध्यान से, अब बी पर कर रहे अपन क्लोरीन की क्रिया, तो यहां पर सी बन गया, बी पर क्लोरीन क्रिया से क्या बन गया, सी बन गया, और यहां जो हमारा सी बना है उस पर करेंगे अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जो विरंजक चूर्ण से मिलता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करेंगे तो डी बनेगा। इसका आंसर कैसे जानेंगे आप, और यहां क्लोरोफॉर्म बनेगा, यहां बनेगा क्लोरोफॉर्म, ए पर नम्रंजक चूर्ण की क्रिया से बी बनेगा, बी का भी कोई नाम पता नहीं है, उस पर क्लोरीन की क्रिया से सी बनेगा, लेकिन सी पर चूने के पानी क्रिया से क्लोरोफॉर्म बनेगा। इन सभी क्वेश्चन का जवाब जाइए आपको, तो हमारी वीडियो को लगातार देखते रहिए। यदि हमारे पास आप नहीं आए, हमारे चैनल पर नहीं आए हैं, तो राकेश मिश्रा केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब करके अपना बहुत सारा केमिस्ट्री का और साइंस का नॉलेज बढ़ाइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अगला वीडियो देखिए, थैंक यू। तो सबसे पहले जो इसका फर्स्ट हेडिंग है वो है ऑक्सीकरण।
ऑक्सीकरण गाइस क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। क्लोरोफॉर्म को जब प्रयोगशाला में रखते हैं तो वायु द्वारा स्वतः ऑक्सीकरण हो जाता है, इसे रोका भी जाता है क्योंकि ऑक्सीकरण से एक जहरीली गैस बनती है जिसे फॉस्जीन कहते हैं। आप समीकरण देखिए, ये क्लोरोफॉर्म है, ये वायु है, प्रयोगशाला में एयर भी रहती है और लाइट भी रहती है, तो प्रयोगशाला में एयर और लाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म का ये हो जाता है ऑक्सीकरण, COCl2 बन जाती है और ये है कार्बोनिल क्लोराइड, इस गैस का नाम है कार्बोनिल क्लोराइड या इसको फॉस्जीन भी कहते हैं। फॉस्जीन पॉइजनस गैस है, जहरीली गैस है बहुत ज्यादा, इसको बचाना है, इसको रोकना है क्योंकि क्लोरोफॉर्म निश्चेतक के रूप प्रयुक्त होती है और ये जहरीली गैस से मिल जाएगी तो निश्चेतक बेहोश होने की जगह पे व्यक्ति को बहुत नुकसान हो सकता है। इसीलिए दो सावधानियां हैं, इसकी दो प्रिकॉशंस हैं। यदि प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म को आप रखते हैं तो दो तरीकों से उसको बचा सकते हैं ऑक्सीकृत होने से। नंबर वन, आप उसको जो बॉटल है उसको मुंह तक भरा रखेंगे, बॉटल को मुंह तक भरा रखना है और बॉटल का गहरा नीला या भूरा कलर रखना है, डार्क ब्लू या ब्राउन कलर की बॉटल में रखिएगा ताकि प्रकाश का प्रभाव कम हो और पूरा नेक तक, गर्दन तक उसको मुंह तक भर के रखना है जिससे वायु का प्रभाव कम हो। नंबर एक। नंबर जो सेकंड, इसकी प्रिकॉशंस लेना है आपको, 1% एथिल अल्कोहल उसमें ऐड कर देना है। ये क्या करता है, उस जहरीली गैस से क्रिया करके और उसे एथिल कार्बोनेट में बदल देता है, मतलब उसका पॉइजनस बन गया तो वो नष्ट हो जाएगा। तो ये दो प्रिकॉशंस के साथ आप क्लोरोफॉर्म में प्रयोगशाला को के अंदर क्लोरोफॉर्म को रख सकते हैं, जहरीली गैस नष्ट हो जाएगी जिससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो हमारा फर्स्ट सन ऑक्सीकरण के बाद सेकंड नंबर पर हम चलते हैं, क्लोरोफॉर्म का दूसरा महत्वपूर्ण गुण है अपचयन। गाइस, क्लोरोफॉर्म का अपचयन दो तरीकों से होता है, देखिए दोनों मेथड हम आपको बताते हैं। एक होता है आंशिक अपचयन, फर्स्ट है आंशिक अपचयन और सेकंड वाला है पूर्णता अपचयन। अब दोनों में क्या फर्क होता है इसको मैं समझाता हूं। ये लिया अपन ने क्लोरोफॉर्म और ये अपचयन के लिए आ रहे हैं नवजात हाइड्रोजन, यहां पर दो हाइड्रोजन आ रहे हैं। दो हाइड्रोजन कौन से पदार्थ से आए हैं, ये आए हैं जिंक ऑब्लिक HCl, ये अपचायक है। इन दोनों की क्रिया से यहां पे ये जो हाइड्रोजन बने हैं इनको बड़े कोष्टक में लिखते हैं क्योंकि ये अस्थाई होते हैं, इनको नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं और ये हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ये जुड़ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH2Cl2। एक हाइड्रोजन जुड़ गया इसके अंदर, H एक है, दो H हो जाएंगे, क्लोरीन एक निकल जाएगा, कार्बन की वैलेंसी चार रहती है तो क्लोरीन एक कम हो जाएगा, क्या निकल जाएगा, HCl बन जाएगा, ये मेथिलीन क्लोराइड बन गया, अपचयन हो गया क्लोरोफॉर्म का मेथिलीन क्लोराइड में, इसको हम कहते हैं आंशिक अपचयन। अब हम दूसरा रिएक्शन करते हैं, इसको आप देखिएगा यहां पे क्या होता है, दूसरा हमारा जो अपचायक है वो है जिंक और H2O, ये चूंकि इसमें पोलर सॉल्वेंट लिया है इसलिए यहां पे ज्यादा हाइड्रोजन बनेंगे और ज्यादा हाइड्रोजन बनेंगे यहां पे 6 नवजात हाइड्रोजन बनेंगे गाइस। तो 6 बनेंगे तो ये क्या करेंगे, यहां से देखो यहां से 3H इधर और 3H इस साइड, ये क्या बन जाएगा, CH में एक H 3H जुड़ जाएंगे तो CH4 बन जाएगा और दूसरी साइड क्या बन जाएंगे, 3HCl। क्लोरोफॉर्म का पूर्णतः अपचयन करना है तो जिंक और H2 लेंगे, यदि क्लोरोफॉर्म का आंशिक अपचयन करना है तो जिंक और HCl लेंगे। तो गाइस ये जो है दूसरा महत्वपूर्ण इसकी प्रॉपर्टी है,
अपचयन वाली। पहला आक्सीकरण हो गया, दूसरा अपचयन हो गया, और तीसरा इसका जो गुणारा है सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड से। आइए इसके साथ हम चलते हैं। जो हमारा कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड है ये किस प्रकार से क्रिया करता है क्लोरोफॉर्म के साथ, देखेगा आप खुद। CHCl3 और हम नाइट्रिक एसिड को ऐसे लिख सकते हैं, ये हम इसको ब्रेक करके लिख रहे हैं, दो तरीकों से लिख रहे हैं। इसका टोटल फॉर्मूला वही हो जाएगा, यदि हम इसको एक साथ लिखेंगे तो HNO3, लेकिन हमने एक O को यहां निकाल के रख दिया है। इसका कारण क्या है? यहां से H प्लस का आएगा, यहां से OH माइनस का आएगा। मतलब सीधी बात है, ये वाला H इस वाले OH से निकल जाएगा और यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा H2O। अब अपना मेन प्रोडक्ट क्या बनने वाला उसको देख लीजिए, यहां से CCl3, यहां से NO2, NO2 CCl3, इसका नाम है क्लोरोपिक्रिन। ये हमारा कौन सा कंपाउंड बन गया? क्लोरोपिक्रिन। और इसका उपयोग गाइस युद्ध गैस में होता है या टीयर गैस में होता है, आंसू गैस बनाने में इसका प्रयोग होता है। तो ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल से तीसरी महत्वपूर्ण क्रिया आपने देखी। हम आगे चलते हैं एसीटोन से क्रिया। यहां रिएक्शन विद एसीटोन, क्लोरोफॉर्म की एसीटोन से जो रासायनिक क्रिया होती है वो इस प्रकार से होगी, हम इसको समझाएंगे, आप देखते रहिए। यहां पर क्लोरोफॉर्म है CHCl3 और यहां पर है एसीटोन। एसीटोन को गाइस डाइमेथिल कीटोन कह सकते हैं। ये देखिए क्रिया किस प्रकार से होगी, युगात्मक क्रिया हो रही है। सबसे पहले पाई बंध टूटेगा, पाई बंध दुर्बल होता है, सिग्मा बंध प्रबल होता है। जब ये टूटेगा तो इस पर माइनस छोड़ेगा, इस पर प्लस छोड़ेगा, यहां से H प्लस बन के आ जाएगा। मतलब H कहां जुड़ जाएगा, H ऊपर जुड़ जाएगा, और CCl3 कहां जुड़ जाएगा, C पर जुड़ जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं, ये दो मेथिल लगे हुए हैं गाइस, और यहां H निकल के कहां आया, ऊपर, क्या बना लिया, OH, और बचा हुआ पोर्शन यहां पे आएगा CCl3। ये जो कंपाउंड आपके सामने दिख रहा है ये है क्लोरीटोन। कौन सा प्रोडक्ट बना? क्लोरीटोन। तो नाइट्रिक अम्ल के साथ क्लोरोपिक्रिन नाम का कंपाउंड बना था जो आंसू गैस के रूप में प्रयुक्त होता है, जबकि एसीटोन के साथ क्लोरीटोन बना। इसकी ट्रिक भी हमने बना दी, इसमें भी लगा हुआ है टोन, यहां भी लिखा हुआ है टोन, एसीटोन से क्लोरीटोन। तो ये रासायनिक क्रिया पढ़ रहे हैं क्लोरोफॉर्म की, रासायनिक महत्वपूर्ण क्रिया है। एसीटोन के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। हमारी अगली रिएक्शन है बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है, कार्बिलेमीन अभिक्रिया। मैंने एक वीडियो डाला था नेम रिएक्शन का, उसको भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन, उसमें कार्बिलेमीन पड़ी थी। यहां पर एक बार पुनः इसको समझ लेते हैं अपन दोस्तों। इसमें लेते हैं अपन कोई भी एमीन, प्राथमिक एमीन होना चाहिए, प्राइमरी एमीन लेंगे, यहां पे लेंगे अपन क्लोरोफॉर्म, और यहां पे लेंगे एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर एल्को लिख सकते हैं हम। अब इसकी जो क्रिया होगी उसमें सबसे पहले हम आपको बता दें कार्बिलेमीन बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड ये बनता है, मेथिलेमीन से मेथिल आइसोसाइनाइड बनेगा, और बाकी क्या होगा देख लीजिए आप। इसके तीन क्लोरीन, इसके तीन पोटेशियम से निकल जाएगी तो 3 बनेगा KCl, 3 पोटेशियम, बाकी क्या होगा, ये जो H है और एक H ये है, ये O है, तो 3 निकल जाएंगे H2। हमारा मेन प्रोडक्ट ये बन गया कार्बिलेमीन, मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइड को गाइस कार्बिलेमीन कहते हैं, मेथिल आइसोसाइनाइड को कार्बिलेमीन नाम है, और इस रिएक्शन का नाम है कार्बिलेमीन रिएक्शन। ये प्राथमिक एमीन का परीक्षण करने के लिए प्रयुक्त होती है कि कोई दिया गया एमीन प्राथमिक एमीन है अथवा नहीं। नेक्स्ट में चलते हैं हम,
हमारी अगली क्रिया है बहुत महत्वपूर्ण, राइमर टीमेन अभिक्रिया। इसको देख लीजिए गाइस, राइमर टीमेन में फिनोल लिया जाता है, ये फिनोल का फॉर्मूला है, यहां पर OH लगा हुआ है, यहां पर हम H निकाल के दिखा दे रहे हैं। इस पर कैसी क्रिया हो रही वो आप समझेंगे, यहां पर ले रहे हैं हम क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म ले रहे हैं। अब क्लोरोफॉर्म का क्या होगा, इसका H और इसका एक Cl, देखिएगा इस यहां निकल जाएगा HCl, यहां क्या बचेगा CHCl2, एक क्लोरीन एच के साथ निकल गया है। तो यहां पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हम उसको इस प्रकार से शो करेंगे, रिंग तो वही की वही रहेगी, OH तो वही रहेगा, यहां पे जहां H लगा था वहां लग जाएगा CHCl2। अब ये प्रोडक्ट फाइनल नहीं है, अब इस पर हमने किया है KOH की क्रिया, तो यहां पर हम दो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अणु लेंगे। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अणु क्या करेंगे, OHCl को रिप्लेस करेंगे, मतलब यहां क्या निकलेगा 2KCl। जब 2KCl लेंगे तो प्रोडक्ट को यहां बना रहा हूं मैं अब, तो यहां पे एक नया प्रोडक्ट बनेगा और वो भी अस्थाई होगा। OH अपनी जगह पर लगा हुआ है और यहां पर क्या बन गया गाइस, इसको देखिए, यहां CH और ये जहां जहां क्लोरीन लगा था वहां पे OH लग जाएगा, ये OH लग गया दोनों जगह, दो क्लोरीन की जगह। लेकिन हम जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों, एक कार्बन से दो OH नहीं जुड़ सकते, तीन OH नहीं जुड़ सकते, चार नहीं जुड़ सकते, एक ही OH एक कार्बन से जुड़ सकता है। यदि जुड़ जाएगा तो क्या होगा, ये देखिए पुनर्विन्यास होगा, यहां से H निकलेगा प्लस के फॉर्म में, OH निकलेगा माइनस के फॉर्म में, ये देखिएगा क्या निकल जाएगा, वाटर। और यहां पर जैसे वाटर निकलेगा तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये आपको बताना है। OH अपनी जगह पर है, वो अपनी जगह नहीं छोड़ रहा है, यहां पे कुछ नया बना, यहां पे क्या नया बना बच्चों, यहां पे C डबल बॉन्ड OH CHO बन गया। इसका नाम जानते हैं, यहां पे इसका नाम है आर्थो पोजीशन, एक दो को आर्थो बोलते हैं, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन गया यहां पे, इसको सैलिसिलिक एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। तो राइमर टीमेन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म से क्या बनता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। नॉर्मल रिएक्शन हमने नेम रिएक्शन में नॉर्मल कराई थी, तो यहां तीन KOH लिए थे, यहां पे दो में काम क्यों चल गया, एक KOH यहां भी तीन लेना पड़ेगी, इस HCl को उदासीन करने के लिए एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और चाहिए पड़ेगा, ये अम्ल है और KOH क्षार है। बी हेलोजनीकरण, हेलोजन निकल रहा है, हेलोजनीकरण में हेलोजन जुड़ता है और बी हेलोजनीकरण में हेलोजन निकलता है। तो यहां पर हम क्लोरोफॉर्म का एक मॉलिक्यूल इस साइड लेंगे और क्लोरोफॉर्म का एक और मॉलिक्यूल दूसरी साइड लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म की सिल्वर पाउडर से क्रिया कराएंगे, ये देख लीजिए यहां पर क्या है, बीच में यहां पर है 6 सिल्वर, Ag के 6 परमाणु लिए हुए हैं, ये क्लोरोफॉर्म है, ये क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल है गाइस, ये क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल है और ये सिल्वर पाउडर है। तो होने वाला क्या है देखिएगा, यहां से क्लोरीन 3, यहां से भी क्लोरीन 3 और बीच में कितने सिल्वर के एटम है, देखो सिल्वर की वैलेंसी एक होती है, एक सिल्वर एक क्लोरीन को रिप्लेस कर सकता है, तो 6 क्लोरीन को रिप्लेस करने में कितने सिल्वर चाहिए, 6। तो सबसे पहले तो ये निकाल दो 6AgCl। अब मेन प्रोडक्ट क्या बन जाता है उसको आप देख लीजिए, HC, यहां से ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, 3 बॉन्ड टूट रहे, CH ये बन गई, इसका नाम जानते हैं एसिटिलीन या एथाइन, IUPAC में इसको एथाइन कहते हैं, एसिटिलीन गैस बन गई है, हेलोजन बन गया। नेक्स्ट अपन कर रहे हैं जो 8वां गुण है वो है जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस,
क्लोरोफॉर्म के जल अपघटन से क्या बनता है ये देखिएगा। तो क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन की हम स्ट्रक्चर के फॉर्म में करेंगे। ये क्लोरोफॉर्म है, ये देखिए, इस पर कराएंगे 3 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर लेते हैं जलीय KOH, जलीय KOH प्रतिस्थापन होगा और प्रतिस्थापन कैसा होगा, तीनों क्लोरीन 3 पोटेशियम के साथ निकल जाएंगे। मतलब क्या निकल जाएगा, 3KCl। अपना प्रोडक्ट क्या बन गया, तीनों क्लोरीन की जगह पर एक एक OH लग गया है। हम इसको लगा देते हैं, आप देखिए यहां भी लगा दिया। अब हमने अभी अभी बताया था कि एक कार्बन से एक OH से ज्यादा नहीं जुड़ सकती, यदि जुड़े होंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और H प्लस के फॉर्म में और OH माइनस के फॉर्म में यहां से निकल जाएगा। ये देखिए, इसके निकलने के बाद क्या बनेगा वो आपके सामने है, HC। देख लीजिए यहां पे, यहां एक बॉन्ड पहले से था, एक OH का बॉन्ड शिफ्ट हो गया, तो यहां कितने बॉन्ड हो जाएंगे गाइस, डबल। H तो निकल चुका है और एक OH भी लगा इसमें, देखो मतलब ये काय का फॉर्मूला बन गया। इसको पहचानते आप लोग, फॉर्मिक एसिड। अभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने KOH मिला रखा है, वहां पे बना है अम्ल, आपने मिलाया है क्षार, तो आगे भी रिएक्शन जाएगा, अम्ल क्षार से क्रिया कर लेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब क्या होगा, अम्ल का H और क्षार का OH, जल बनेगा और आपका लवण बन गया पोटेशियम फॉर्मेट। ये आपका जल अपघटन का फाइनल प्रोडक्ट है, पोटेशियम फॉर्मेट। देख लीजिए, प्लस वाटर भी बनेगा तो साइड प्रोडक्ट है। तो ये आपकी जो रासायनिक गुण है क्लोरोफॉर्म के, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 नेम रिएक्शन है, क्लोरोपेक्रिन क्लोरीडोन है। देखो इनमें कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं गाइस, एक तो ये आते हैं कि परिवर्तन करो क्लोरोफॉर्म का मेथिलाइसोसाइनाइड में, ठीक है, क्लोरोफॉर्म का बेंजल्डिहाइड में, कुछ भी दे सकते हो, फिनोल का सेलिसिलिक एल्डिहाइड में, एक तो परिवर्तन आता है और दूसरा आता क्या होता है जब मेथिलेमीन पर क्लोरोफॉर्म की क्रिया एल्कोहलिक OH के साथ करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई प्रकार की रिएक्शन आती हैं, सभी रिएक्शन आपको हम पढ़ाते रहेंगे। हमारा वीडियो यदि समझ में आया है गाइस तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने सभी सोशल प्लेटफॉर्म मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप इसको शेयर कीजिएगा, चाहे वो व्हाट्सअप हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, सभी जगह पर शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो राकेश मिश्रा केमिस्ट्री क्लब को सब्सक्राइब कर लीजिए आप और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि फ्रेश वीडियो आपके पास जा सके। आपने वीडियो देखा, आपका थैंक यू।